न्यूरोजेनिक शॉक जो है वो पूछते हैं अलग से 2 मार्क्स में, ठीक। तो न्यूरोजेनिक शॉक में क्या है, किसी भी रीजन की वजह से, जैसे कि पैराप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया, ट्रॉमा टू स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल एनेस्थीसिया, है ना, जहाँ पे हमारी नर्व्स इन्वॉल्व हो रही हैं, इन सब की वजह से क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ब्लॉकेज हो जाएगी तो आर्टीरियल और वीनस टोन जो होता है ना, वो लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, पेरिफेरल ब्लड पूलिंग होने लगेगी, मतलब बाहर के सिस्टम में ही ब्लड इकट्ठा होने लगेगा, हार्ट फीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हार्ट फीलिंग अगर प्रॉपर नहीं होगी तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, है ना, बीपी कम होगी, और इस वजह से क्या, शॉक देखने को मिलेगा विथ वार्म एंड ड्राई स्किन। तो इसको कहते हैं न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। तो कॉज लिखेंगे पैराप्लेजिया, ठीक, लोअर लिम्ब का पैरालिसिस, क्वाड्रीप्लेजिया मतलब पूरा अपर लिम्ब प्लस लोअर लिम्ब, है ना, चारों चीजें का पैरालिसिस हो रही है। क्वाड्रीप्लेजिया के केसेस में ट्रॉमा टू स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल एनेस्थीसिया, कुछ भी हो, कोई सी भी कंडीशन हो जहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाएगी इन सारी कंडीशन में, और जिसकी वजह से लॉस ऑफ आर्टीरियल एंड वीनस टोन, तो पेरिफेरल वीनस सिस्टम में पूलिंग ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा, हार्ट फीलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, हार्ट डज नॉट फील प्रॉपरली, कार्डियक आउटपुट फॉल, लो बीपी विद अ नॉर्मल कार्डियक आउटपुट, और यहाँ पे हमें वार्म एंड ड्राई स्किन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा था, कूल क्लैमी स्किन, है ना, कूल क्लैमी स्किन देखने को मिल रही थी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, और यहाँ न्यूरोजेनिक शॉक में हमें वार्म और ड्राई स्किन देखने को मिलेगी। ये हो गया हमारा न्यूरोजेनिक शॉक।